ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਠ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਮੁੱਦੋਂ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਪੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਨਾਬ ਆਪਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਕਾ ਨਾਮ आप शुरू करेंगे आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो देश से जो है कारोबार बिजनेस सब ख़त्म कर दिया है गरीब लोग पटरियों पे मर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी जो है इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ डमी कैंडिडेट का काम करती है और उसके साथ मिल करके ये कांग्रेस की देन है भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में हुकूमत कर रही है तो ऐसे ही कांग्रेस को इसलिए कि हमारे केजरीवाल जी ने बहुत कोशिश की दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए लेकिन ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और इसलिए ये डमी कैंडिडेट की तरह ये इसके साथ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी इसी के साथ वोट काट सके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तो ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ये एक वोट काटने की मशीन है दिल्ली में चार बार हार चुकी है चारों बार इनकी जमानत जब्त हो चुकी है और फिर दिल्ली में जमानत जब्त होगी हमारा जो मुकाबला आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भैया बहुत लोग इतने तमाम लोग इतने इकट्ठे हुए हुए उत्थे क्योंकि चुनावी रैलियां का भी माहौल बनया हुआ है आप थोड़ा सा मुझे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर लगे मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियों के अगर कांग्रेस का कोई सपोर्टर है तो वो भी अपनी बात रखे बीजेपी का कोई सपोर्टर वो भी अपनी बात रखे हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे आपका नाम मेरा नाम हाजी नजीर अहमद है मैं कांग्रेस से हूँ हमारे यहाँ कांग्रेस ने इतना काम किया है इतना किया है बेहिसाब ये कॉलोनी कांग्रेस की देन है केजरीवाल जी के विधायक अनिल वाजपेयी जी थे आज तक 2 रुपए का काम कॉलोनी के अंदर नहीं किया जिससे हमें नफरत है हम केजरीवाल को बुरी हालत से हराएंगे अपनी कॉलोनी के अंदर कोई वोट नहीं मिलेगा जमानत जब्त होगी केजरीवाल बीजेपी के खास आदमी है पहले 3 सीटें दिल्ली के अंदर दी कांग्रेस ने उस पर मान के फिर कहने लगे गोवा दे दो चंडीगढ़ दे दो हरियाणा दे दो हम कहाँ से दे देंगे तुम दिल्ली में काम कर नहीं सके हरियाणा पंजाब में जरूर कर लोगे तो मैं चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस को ही वोट दें और लवली जी को जिताएं कोई बीजेपी से कोई सब समर्थन में कोई बोलना देखिए रुके बोल जी बीजेपी का कोई समर्थन में यहाँ समर्थन बीजेपी का नहीं यहाँ मामला दूसरा है क्या मामला देश में नफरत ही नफरत है हाँ यहाँ वोट बाद में बात करना पहले ये देखो नफरत कम हो जाए ये देखा जाए कि किस पार्टी ने देश में नफरत फैला दी है माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के बीच में कितनी खाई बढ़ा दी है वोट तो बाद की चीज है जो जीते हारे लेकिन अगर ऐसी पार्टियां जीतती हैं जो नफरत की दीवारें पहाड़ खड़े कर देंगी फिर यहाँ होगा क्या इंडिया में यहाँ वोट बाद में जरा पीछे हटाइए यहाँ वोट बाद में सोचो पहले ये देखो कि किस पार्टी ने देश में खाई बढ़ा दी है दीवार खड़ी कर दिया पहाड़ खड़ा कर दिया और 2019 के बाद देखना क्या हालत देश की होगी यहाँ नफरत ही नफरत है नफरत यानी कि सेकुलरिज्म की बात जो है वो कम हो रही है हाँ जी मैं चाहूंगा कोई बीजेपी से कोई समर्थक है तो कोई जरूर अपनी बात रखे हाँ जी बीजेपी से नहीं मैं तो मेरा जो अपना चलो अपना मुद्दा रखिए अब मेरा कहना ये है कि भाई ठीक है पार्टियां सब अपनी अपनी हैं अपने अपने कर रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि विकास के नाम पे कुछ होना चाहिए जैसे कि अभी हमारे मोदी साहब आए इन्होंने इस तरह के बड़े बड़े हमारे को सपने दिखाए थे ये करेंगे वो करेंगे अब पता चला वो इंजीनियर बन गया इंजीनियर बन के वो पकोड़े बेच रहा है कोई किसी की दुकान लगा के बैठा है और सबसे बड़ी बात ये जो देश को बांटा जा रहा है सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इस देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिल के रहते थे आज वो चीज़ कहीं देखने को नहीं मिल रही है इस बीजेपी ने इस तरह से बीज बोया है कि हमको लगता है कि इस खाई को पाटने में बहुत वक्त हम लोगों को लग जाएगा जब हम सारे भाई एक जगह हो पाएंगे
विकास के नाम पे अगर आप करते हो राजनीति तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आपने राजनीति शुरू कर दी है जातिवाद की, वंशवाद, धर्म की, ये मैं समझता हूँ अपने देश ही नहीं दुनिया में भी बहुत गलत बात है। ये मेरा नाम जमील अहमद है। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, कहना यही चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने अच्छा शासन किया है और कर रहे हैं, और मेरी तो ये अपील है जो काम करे उसको वोट दिया जाए। मैं किसी को नहीं मानता कि वोट का हक उसी का है जो काम अच्छा करे, और केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं और जनता उसको पसंद कर रही है बहुत। इसी के साथ जी हाँ, लोग अपनी अपनी तालियां भी जरूर। हाँ जी सिंह साहब, पहले ताड़े को मैं जाना चाहूँगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम दीपक पांचाल है। मैं ये चाहता हूँ कि क्या नाम है, मैं यहाँ का क्षेत्र का लोकसभा का निवासी हूँ। यहाँ पे महेश गिरी हमारे सांसद होया करते थे, आज तक 5 सालों के अंदर उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अब यहाँ पे कैंडिडेट गौतम गंभीर ला दिया है। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो दिल्ली में काम हुए हैं, कौन सी पार्टी ने अच्छे काम करे हैं, कौन से गरीब बच्चों के लिए स्कूल अच्छे करे हैं और सरकारी स्कूलों में सुविधा अच्छी करी है, तो हमें ये सोचना समझना पड़ेगा कि हमें उस पार्टी को वोट दे जो पार्टी घर घर जाके काम करती है, जो अपने वादों पे खरे उठती है, जिसने पानी हाफ और बिजली हाफ करी है। हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद करते हैं जी आपका। आपसे बात करेंगे, आपका नाम? मेरा नाम हाजी मुस्तकीम है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे को वोट पड़नी चाहिए इस बार? वोट वैसे तो देखो बीजेपी पार्टी में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बीजेपी पार्टी हुआ करती थी जो पहले बीजेपी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस टाइम भी इतना फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब जो अचानक इसकी विचारधारा बदली है, देश के अंदर जातिवाद पे जो इन्होंने एक फाड़ डाल दिया है, सब लोगों में आपस में इतनी नफरत पैदा कर दी है, उसकी वजह से बीजेपी एकदम स्टेम नकार दी है, पब्लिक ने कंडम हो गई है। पिछली बार काउंसलर यहां से रोमेश चंद गुप्ता को हमने जिताया था, लेकिन उन्होंने भी कोई खास हमारे साथ चल के नहीं। बीजेपी को आपने पिछले ही काउंसलर जिताया? पिछले रिकॉर्ड में बीजेपी को हमने जिताया था, रोमेश चंद गुप्ता को हमने जिताया था, लेकिन हमारे सांसद थे महेश गिरी जी, कभी वो बुलाने पे भी इधर नहीं आए। जब पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती है कि सिर्फ अपनी राजनीति करती है और वर्करों की नहीं सुनती है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है। और आज के टाइम में बिल्कुल नाकार दिया गया है बीजेपी को, बीजेपी आज के टाइम में बिल्कुल फ्लॉप है। जनाब आप क्या कहना? मेरे ये अजीज अभी जो बोल रहे थे मुस्तकीम भाई, इन्होंने खुद कबूला है कि बीजेपी को इन्होंने लड़ाया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाने वाले ही जब इस तरह से त्रस्त हो गए हैं बीजेपी से कि वो उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल बीजेपी ने देश में बना दिया है। केजरीवाल ने कोशिश की कि सेकुलर वोट ना बटे और हम इसमें से जीत लें, लेकिन बहरहाल वो सेकुलर वोट बट गया। अब कांग्रेस भी बीच में आ गई और केजरीवाल भी आ गए। अगर बीजेपी के खिलाफ एक आदमी खड़ा होगा तो कभी बीजेपी नहीं जीतेगी, और जब सेकुलर गठबंधन हो जाता तो फायदा मिलता है। फुल गारंटी से 100% जीतती, एक तरफा ही जीत होती है अगर गठबंधन हो जाता तो। केजरीवाल की बात में वजन था, केजरीवाल ने बिल्कुल सही बात कही थी कि भाई समझौता कर लो, बीजेपी को हरा लो, लेकिन शीला दीक्षित नहीं मानी, कांग्रेस ने समझौता नहीं किया, इसका भुगतमान जनता भुगतेगी, कांग्रेस और केजरीवाल उसूलों वाले आदमी है। अच्छी बात कही उन्होंने, खुलेआम कहा कि मोदी को हरा लो, उन्होंने खुलकर कहा अभी इन्हें हरा लो बाद में निपट लेंगे, लेकिन शीला दीक्षित कैसी औरत, उसने बात मानी नहीं। शीला दीक्षित एक ऐसी औरत थी, जब दिल्ली में लाइट का रेट पूरा हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जो दिल्ली वाले पैसे ना दे सके तो उनकी बिजली काट दी जाए, ये शीला दीक्षित का बयान था। और आज दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो बिजली सस्ती करी है, इसे हर लोगों को फायदा है, इसमें चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाला हो, सभी को फायदा है दिल्ली। ठीक है जी, हाँ जी, क्या जी, क्या कहता हूँ, आम आदमी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, सभी गरीबों की पार्टी है और युवाओं की पार्टी है। और बीजेपी क्या है, बीजेपी तो एक लोगों को भ्रम में फैलाती है, इधर उधर मतलब लोगों को देश के नाम पर या जातिवाद के नाम पर बांटती है। मैं आम आदमी हूँ, एक आम आदमी ने केजरीवाल जी ने डोर लोगों के लिए इतना फायदा किया, गरीबों के लिए और झुग्गी वालियों के लिए, उन्हें डोर टू डोर कैंपर चलाया जिसमें 100 से ज्यादा सर्विस चलाई और लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा, उनके घर पर सर्विस,
सरकार खुद उनके घर पर उसके सिर्फ 50 रुपए सर्विस चार्ज लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी, इनकम सर्टिफिकेट और बहुत सारी सर्विस इंक्लूडेड है उसमें। वो लोगों को, हम गरीब लोगों को, झुकियों वालों को, हर किसी को सुविधा मिल रही है और कहीं जाने की जरूरत है आपको, ना कोई छुट्टी करने की जरूरत है। छुट्टी के टाइम में जब आपको समय हो, जब आपको सूटेबल टाइम हो, वो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सीएम हेल्पलाइन पर फोन करके। तो आम आदमी पार्टी लोगों के लिए कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है, इसको वोट करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा पूर्ण राज्य की बात चल रही है इस समय पूरी दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी अगर देखते हैं तो एक ही मुद्दे पे वोट मांग रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाना है। इस मुद्दे पे थोड़ी बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि माहौल थोड़ा सा जरूर दिखा देता जावे कि किस तरीके इलेक्शन के चाह की दुकाना से जो है सत्था लगिया हुई है और इतने लोग जड़े है बैठे ने मशरूफ ने गला बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूर्ण राज्य की बात से कितना सहमत है, क्या पूर्ण राज्य से दिल्ली को कोई फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा। देखिए जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है, चाहे आप कच्ची कॉलोनियों को ले लें, उन्होंने पाइपलाइनें पानी की बिछवाई हैं, और आज आप अस्पतालों की हालत देखिए इतनी बेहतर पहले से हो गई है कि बहुत आदमी दुआ दे रहा है कि जो आपको अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का आपको टेस्ट कराना होता था, आप इधर उधर परेशान होते थे, आज ये केजरीवाल जी ने हालात बना दिए कि आपको अगर टेस्ट के लिए एक महीने से ज़्यादा का टाइम अगर डॉक्टर दे रहा है तो डॉक्टर से आप कहें कि आप फॉर्म भर के दीजिए, आप किसी भी अपने नियरेस्ट नर्सिंग होम से कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करा सकते हैं। असल बात फायदे ना फायदे की नहीं है, केजरीवाल जी ने एक बात रखी है और वो जनता की भलाई के लिए की। मैं जानना चाहूंगा कि अगर सातों सीटें आम आदमी पार्टी की जीत जाती है दिल्ली में, अगर मान लीजिए जीत जाती है, तो क्या वो 7 MP दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकते हैं? इस बात पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी वाले हठधर्मी वाले हैं, वो काम कहाँ करने दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जो है बिल्कुल जो है टांग पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं। वो सर बिल्कुल दिला सकते हैं, जैसे केजरीवाल जी एलजी के पास लेट गए फाइल पास कराने, अगर 7 MP आम आदमी पार्टी के बनते हैं तो 7 MP लोकसभा में भी अपना धरना प्रदर्शन चालू कर सकते हैं। असल बात है संघर्ष करना, वो संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करते रहेंगे, क्या होगा इसका अंजाम कोई नहीं जानता। अच्छा, एक सवाल ना सबके मन में है कि कांग्रेस का अगर बात करते हैं तो एमपी इलेक्शनों में सुपड़ा साफ था, स्कोर 0 था, विधायक इलेक्शन में, विधायक असेंबली इलेक्शन में सुपड़ा साफ था, स्कोर 0 था, क्या लगता है इस बार कांग्रेस कोई अपना खाता खोल पाएगी? बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि अभी आप उठा के देखिए कहीं भी इसका कांग्रेस का स्कोप नहीं है, बल्कि केजरीवाल जी ने तो इतना तक कहा था कि भाई जहां अगर मोदी जी को हटाने के लिए जहां से कांग्रेस जीत रही है अब कांग्रेस को वोट दो, लेकिन दिल्ली में अगर उसका स्कोप नहीं है तो आप केजरीवाल जी को ही वोट दीजिए। तो मैं कांग्रेस को जीतने की जरूरत नहीं है, अगर बीजेपी की सीटें चली जाती हैं, जीत जाते हैं तो कांग्रेस का मकसद पूरा हो गया, उसका एम है बीजेपी को जिताना, बस बात खत्म। ये जो सीटों का मैटर है इसके अंदर जिस तरीके से भी कांग्रेस नहीं मानी इस वजह पर आम आदमी से गठबंधन करने के लिए दिल्ली के अंदर, और बीजेपी को लोग बाग कह रहे हैं कि भाई 7 सीटें चली जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 सीटें कांग्रेस अभी भी लेने की हकदार है। कौन सी? शीला दीक्षित की, एक अरविंदर सिंह लवली की, 2 सीटें कांग्रेस ले रही है। गौतम गंभीर के आने से कोई फर्क पड़ेगा? गौतम गंभीर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिकेटर है वो, क्रिकेट खेलने वाले यहाँ के हैं, लेकिन वो क्रिकेटर हैं, वो तो यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे, लोगों से मुलाकात भी नहीं होगी उनकी, जो आज उनके कितने करीब हैं उनसे मुलाकात भी नहीं होगी। अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में पहले जा चुका है यहाँ से पार्टी छोड़ करके, और यहाँ से यहाँ के वोटों का, बुलंद मस्जिद के वोटों का सौदा कर चुका है वो, और सौदा करके भारतीय जनता पार्टी में जा करके यहाँ के कॉलोनी के वोटरों का अपमान किया उसने, और अपमान करने के बाद फिर यहाँ पर जो है वोट मांगने के लिए आया है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये किस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, और ये प्लान करके यहाँ पर प्लान करके आए हैं। शीला दीक्षित की पोजीशन खराब है, बिल्कुल जीतने के लायक नहीं है, इसलिए सारी 7 सीटों की शीला दीक्षित का ये आलम है कि वहाँ के सारे काउंसलर, सारे के सारे विधायक उनके खिलाफ हैं। और जनाब बात करेंगे, आज की खबर है कि आम आदमी पार्टी के आप ही के इलाके के जो विधायक हैं वो भी पार्टी में जो है छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका नाम है अनिल वाजपेयी, वो इसी सीट के विधायक हैं जो छोड़ के आम आदमी पार्टी को बीजेपी में जा चुके हैं। ये सीट अगर आम आदमी पार्टी हारती है, इस सीट हारने के उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा अनिल वाजपेयी जी, जो यहाँ से भागे हैं,
उनका होगा। दूसरा, कुछ कमियां रही हैं केजरीवाल जी की भी, जब से चुनाव जीते हैं अनिल वाजपेयी जी इस सीट से विधायक का, जब से वो इलाके के अंदर देखने के लिए नहीं आए तो केजरीवाल जी ने भी आज तक खबर नहीं ली इस इलाके में इस कॉलोनी की। अगर वो काम नहीं कर रहे थे, रिपोर्टर सब उन्हें पहुंच रही थी, तो कम से कम केजरीवाल जी को तो आना चाहिए था, खबर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस इलाके में केजरीवाल जी नहीं आए। अगर भाग भी गए, बीजेपी से हाथ भी मिला लिया अनिल वाजपेयी ने, तो जनता को थोड़ी ले गए भगा के। जनता तो वोट केजरीवाल के नाम पे देगी, केजरीवाल के नाम पे देगी। और आप पूछ रहे थे पूर्ण राज्य, पूरे विभाग होने चाहिए हमारे मुख्यमंत्री पे। पूरे विभाग होंगे तो सारी दिल्ली में विकास होगा। पूरी दिल्ली में विकास जब ही कर सकते हैं हमारे सीएम भी, जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिले इसे। मोदी स्टेटों से विभाग कम है इस पे। मोदी लहर कितना काम करेगी, जैसे सर हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है, और बात चल रही है जीएसटी और उसका भी कि जीएसटी से सुधार आया उससे। सबसे बड़ी मार है यहाँ सीलिंग की दिल्ली वालों की। आप ये बताइए, 7 MP बीजेपी के थे वहाँ पे, कोई भी MP लोकसभा में नहीं बोला, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं, उन्होंने आवाज उठाई पूरी दिल्ली की, आम आदमी पार्टी ने ना। मोदी पहले भी वोट सेकुलर वोट डिवाइड होता है, मोदी पहले MP हो गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब की भी ये होगा। मोदी की कोई लहर नहीं है, हमारा वोट डिवाइड होगा मोदी बनेंगे, डिवाइड नहीं होगा बिल्कुल नहीं बनेंगे। यानी कि इस बार भी लगता है कि मोदी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बन सकती, अगर हमारा वोट डिवाइड सरकार होगी है? कैसी सरकार? गठबंधन की सरकार हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बोलना चाहूंगा एयर स्ट्राइक के ऊपर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी के अंदर इतना बढ़िया गट्स है, वो एक जैसे मदारी है, डुगडुगी बजाई और सारा मामला एकदम वो कर देते। मोदी अपनी उंगली भी कटा के ना उसको भी कैश करा लेते हैं, मोदी जी का ये मामला है। अरे इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में हुए हैं, क्या कांग्रेस ने कभी ढिंडोरा पीटा? वो आप बॉर्डर का मामला है, वो जवान देश के जवानों का मामला है, हम सलाम करते हैं उनको जिन्हों जिनकी देखभाल की वजह से हम लोग सुरक्षित आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी ने कराया है तो मोदी जी वहाँ पे क्यों नहीं खुद जाके कर रहे हैं? 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और इसमें कोई शक नहीं कि 15 सालों के अंदर दिल्ली का विकास भी हुए, नए नए फ्लाईओवर भी बने, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दिल्ली की सूरत बदली है। क्या उसका कोई असर इस समय इलेक्शनों पर पड़ेगा? देखो जी, असर तो पड़ेगा उसका, उन्होंने काम किए हैं और अब अपनी सीट पे जो मजबूती से खड़ी हुई हैं, तो उन्हें इसीलिए वहाँ उतारा गया है कि जो लोग उनके काम को जानते हैं, जो कारगर लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं। शीला दीक्षित सीट निकाल सकती है? निकाल सकती है, शीला दीक्षित भी निकालेगी, अरविंदर सिंह लवली भी निकालेंगे, मनोज तिवारी है कॉम्पिटिशन। सिंह लवली पूरी दिल्ली के अंदर विकास पुरुष माने जाते थे, माने जाते हैं, माने जाते रहेंगे जहाँ भी चले जाए। वो कोई टाइम था, कोई लहर थी जो मोदी जी की बातों में आके वो बीजेपी में चले गए, और अब जो हालात मोदी जी के हो रहे हैं कहीं से कुछ नहीं हो रहा। जो 2-3 चरण के चुनाव अभी तक हुए हैं, जो इन्होंने तेज बहादुर का जो नामिनेशन कैंसिल कराया, उससे बीजेपी बिल्कुल जीरो चली गई है। आम जनता ये जान गई है कि मोदी जी जो भी देते हैं वो टॉफिक देते हैं। मोदी जी और बीजेपी को एक बार चांस लोगों ने देख लिया। MCD में दिल्ली वालों ने मोदी जी को वोट किया था, पर मोदी जी और बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया, इसलिए अब मोदी लहर और कांग्रेस की लहर चली गई है। बिल्कुल, कांग्रेस जीत हो जाएगी, वही आम आदमी पार्टी के वही केजरीवाल है जो पूरी दवाई फ्री मिल रही है, अस्पतालों में चेकअप सारे फ्री हो रहे हैं, वही स्कूल आएंगे, समय शिक्षा अच्छी मिल रही है, पानी पर भी पानी फ्री दे रही है, बिजली पर कोई पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं, सारे काम केजरीवाल अच्छे करे। दिल्ली में कई दवाई अस्पतालों में मिल रही है वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। अभी एक भाई गिरे थे यहाँ पे, शीला जी की हालत खराब है। मैं बताना चाहता हूँ, शीला जी की हालत खराब नहीं है, तबीयत खराब है, पहचान ले लोग। शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो किसी ने किए? बोलने ये कह रहे थे, चाहूंगा बोलने। अरविंदर सिंह लवली जी ने यहाँ पे इतना काम किया कि किसी ये जो आया था वाजपेयी
ये एक दबे नहीं आगे, जहाँ का किसी के दुख सुख दुख में काम नहीं आया, यहाँ पे कोई काम नहीं किया इस बंदे ने। और जो 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 बंदा काम कर रहा है उसे यहाँ की जनता वोट देगी और उसे विजय बनाएगी। जी सगर जी, अलग अलग लोगों के नाल तुसी देखिया कि एक चाय वाली दुकान के साथ दे काम किया। धन्यवाद करते हैं जी सारे लोगों का, होर लोगों नाल भी तुहानू जोड़ांगे। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो, नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना।